नमस्कार, मध्य प्रदेश की सभी जरूरी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना न भूलें। छात्रों के लिए काम की खबर, 30 सितंबर से पहले करें ये काम, निर्देश जारी। प्रदेश के छात्रों के लिए काम की खबर है, श्रमोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 में चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया 25 सितंबर 2021 तक पूर्ण की जा रही है। 30 सितंबर 2021 तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रक्रिया के तहत 25 सितंबर 2021 तक श्रमोदय आवासीय विद्यालय भोपाल में पूर्ण की जाएगी। उमा भारती के समर्थन में उतरे लक्ष्मण सिंह, बोले लठ लेकर आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार के नाम का ऐलान होते ही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बड़ी घोषणा कर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उमा भारती ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 15 जनवरी 2022 तक पूरे मध्य प्रदेश में शराबबंदी करवा कर रहूंगी, यदि फिर भी लोग नहीं माने तो सड़क पर उतर जाऊंगी। के इस बयान से जहां बीजेपी में हलचल तेज हो गई है, वहीं विपक्ष ने समर्थन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि मैं लठ लेकर आपके साथ चलने को तैयार हूं। आगामी चुनावों से पहले उमा भारती की बड़ी घोषणा, सियासी हलचल तेज। आगामी चुनावों से पहले मध्य प्रदेश भाजपा के फायर ब्रांड नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने बड़ा ऐलान कर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। उमा भारती ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 15 जनवरी 2022 तक पूरे मध्य प्रदेश में शराबबंदी करवा कर रहूंगी। खास बात यह है कि यह बयान इस समय आया है जब उनका नाम राज्यसभा उम्मीदवार के लिए चर्चा में चल रहा था, लेकिन बीजेपी ने तमिलनाडु के डॉक्टर एल मुर्गन का नाम कर सबको चौंका दिया है। बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा बड़ा झटका, कंपनी ने की शुल्क बढ़ाने की तैयारी। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर से बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल सरकार बिजली के दामों को बढ़ाने की तैयारी में है। बिजली कंपनी ने सुविधा शुल्क में इजाफा करने का फैसला किया है। कंपनी द्वारा विभिन्न सुविधाओं पर 50 से 70% तक शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया। आपको बता दें कि यह दूसरा मौका है जब बिजली कंपनी द्वारा सुविधाओं में शुरू करने का प्रस्ताव आयोग को भेज दिया गया है। डीए वृद्धि सहित अन्य मांगों के लिए बड़ा फैसला, तैयार हुई रूपरेखा, कर्मचारियों का बड़ा निर्णय। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी द्वारा लगातार 70H पे कमीशन डीए बढ़ोतरी की मांग को लेकर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। वहीं सीएम शिवराज बढ़ोतरी पर अब तक कोई पुख्ता बयान सामने नहीं आने के बाद शनिवार को मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने बड़ी तैयारी की है। शनिवार को भोपाल में अधिकारी कर्मचारी की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें एक बार फिर से प्रदेश में सड़कों पर आंदोलन करने की तैयारी की गई है। मध्य प्रदेश को मिली बड़ी सौगातें, गृह मंत्री अमित शाह ने किए कई बड़े ऐलान, रहे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत करते हुए आज करीब 5 लाख महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिया। पीएम उज्ज्वला योजना के उद्देश्य से आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के लाखों परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन या एलपीजी गैस कनेक्शन के साथ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लंबावित करना है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई घोषणाएं की। भोपाल में रेलवे स्टेशन से किराए पर मिलेंगे इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग पॉइंट भी बनेगा। भोपाल में रेलवे स्टेशन पर लोगों के लिए अब एक और सुविधा शुरू होने जा रही है। इस स्टेशन के शहर में जाने के लिए 15 अक्टूबर से इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लिए जा सकेंगे। शुरुआत 3 पहिया वाहन से की जाएगी, जरूरत पड़ने पर 4 पहिया वाहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सुविधा का लाभ रेल यात्रियों के अलावा शहर के आम नागरिक भी ले सकेंगे। इन वाहनों का शुल्क 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना होगा। 3 पहिया वाहन में अधिकतम 3 लोग ही बैठ सकेंगे। इस वाहन के लिए प्रति किलोमीटर 16 रुपये चुकाने होंगे। मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों के बच्चों को देंगे उत्तीर्ण सत्र का शिक्षण शुल्क। पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलने वाली ट्यूशन फीस को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब उसी सन की फीस मिलेगी जिसमें बच्चों ने कक्षा या सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अभी तक चालू शिक्षा सन के लिए यह राशि दी जाती थी। पुलिस मुख्यालय की कल्याण शाखा ने इस आशय के निर्देश प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों को जारी कर दिए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 31 अक्टूबर से 31 जनवरी 2021 तक ट्यूशन फीस के लिए भेजे जाने वाले प्रस्ताव में परीक्षा परिणाम पिछले वर्ष का रहता है, जबकि फीस उसी वर्ष के जून जुलाई में जमा हो जाती है।
टिकट चेकिंग अभियान से रेलवे को 5 माह में 60 करोड़ की आय। नगर निगम हर साल की तरह इस साल भी 85 वार्डो में अलग अलग स्थानों पर विसर्जन के लिए गणेश प्रतिमाएं एकत्रित करेगा। निगम के 19 जोनल कार्यालयों के अलावा तालाबों के आसपास भी गणेश प्रतिमाएं इकट्ठा करेंगी। 20 सितंबर को एकत्रित प्रतिमाओं का विधि विधान से जवाहर टेकरी पर विसर्जन किया जाएगा। नगर निगम द्वारा मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण हितेशी कुंड बनाए गए हैं। वह नागरिक खुद अपने हाथों से प्रतिमाएं विसर्जित कर सकेंगे। इंदौर में आज फिर बनेगा ग्रीन कॉरिडोर। किडनी, लीवर और फेफड़े होंगे ट्रांसप्लांट। इंदौर शहर में आज एक बार फिर अंगदान होने जा रहा है। इंदौर की पार्शनाथ कॉलोनी की 37 वर्षीय नेहा चौधरी को ब्रांडेड घोषित किया गया है। ब्रेन ऑनरोरिज्म की कारण वे 12 सितंबर से अस्पताल में भर्ती थी। उनकी दोनों किडनी, लीवर के साथ फेफड़े ट्रांसप्लांट करने की तैयारी है। रिट्राइवल के लिए मुंबई के विशेषज्ञों की टीम रविवार सुबह आएगी। इसके बाद अंगदान की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद शहर में 41वें ग्रीन कॉरिडोर और अंगों को अस्पताल पहुंचाया जाएगा। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।